तंजीमी जो मेरे दौरे थे वो मैंने मुकम्मल किए, और अब मेरी तवज्जो जो है वो सारी विंग्स को स्ट्रेंथन करने में है, एक्टिव करने में है। और जो उलमा और मशाइख का विंग है, मेरी नज़र में ये बहुत अहमियत का हामिल है, और मैं ये समझती हूँ कि जो फ़ाल किरदार आप लोग अदा कर सकते हैं, आप लोगों को बात करनी आती है, आप लोगों को आपकी बात में असर होता है, लोग आपकी बात को गौर से सुनते हैं, माशरे में आपका एक मकाम है, आपका एक एहतराम है, आपसे लोगों को मज़हब की वजह से, दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर आपसे लोगों को अकीदत है, तो आप जब भी बात करते हैं तो मैं भी सुनती हूँ और हमारा माशरा भी सुनता है, लोग भी सुनते हैं, तो हमारे माशरे में आप सब की बहुत कद्र व मंजिलत है। उसकी वजह यह है कि हमारा जो मुल्क है ये इस्लाम से मोहब्बत करने वाला है, दीन से मोहब्बत करने वाला है, और जो उसके दाई हैं, जो उसके प्रचार करते हैं, जो उसका नाम लेते हैं, हम लोग उनसे भी मोहब्बत करते हैं, उनसे भी अकीदत रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके साथ साथ आप पे बड़ी एक भारी जिम्मेदारी भी आयद होती है, और वो ये है कि क्योंकि आप इल्म रखने वाले लोग हैं, आप आवाज़ रखने वाले लोग हैं, आपकी आवाज़ जैसे कि मैंने पहले कहा कि सुनी जाती है, तो माशरे में इस वक्त जिस किस्म की तकसीम का जो हमारा माशरा शिकार है, जिस किस्म की तनज़ली का हमारा माशरा शिकार है, जिस किस्म के हालात इस वक्त पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है, हमारी सरजमीन है, हमारी मिट्टी है, हमारी जाए पनाह है, हमने इसी मिट्टी में वापस जाना है, तो इस मुल्क के अजीम को आजकल आज जिस किस्म के मसाइल का सामना है, जिस किस्म के फितनों का सामना है, तो उसका जो मुकाबला है वो आप सबकी मदद के बगैर और आप सबकी आवाज़ बुलंद किए बगैर मुमकिन नहीं है। और जो मुझे आपसे मदद की ज़रूरत है बतौर पाकिस्तानी, अब मैं मुस्लिम लीग नून की बात नहीं कर रही, मैं आपके थ्रू और मीडिया चैनल्स के थ्रू मैं तमाम उलमा, तमाम मशाइख, तमाम मज़हबी अकीदत रखने वाले जितने भी हमारे मसलक हैं, जितने भी हमारे जो सेक्ट्स हैं, मैं सबसे ये अदब से गुजारिश करना चाहती हूँ कि मुल्क को इस वक्त आपकी ज़रूरत है, आपके फ़ाल किरदार की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क इस वक्त एक ऐसे फितने की लपेट में है जिसको पाकिस्तान को तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया है। और न सिर्फ उसने मुल्क पर हमला किया, मुल्क की सालमियत पर हमला किया, मुल्क के जो हमारे माशरे पे हमला किया, हमारी माशरती इकदार पे हमला किया, बल्कि जैसे अभी मेरे भाइयों ने फरमाया कि उन्होंने हमारे मज़हब पे हमला किया, और मज़हब पे हमला, मुल्क की सालमियत पे हमला, आपके माशरे पे हमला, आपके जो मुल्क के ऊपर आपके उसके ऊपर हमला जो है, वो ये काम कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। तो ये अब हमारे पास ऐसे शवाहिद नहीं है, हमारे पास पिछले कई सालों में इस किस्म के वाकयात हुए जिसमें हम फॉरेन फंडिंग से शुरू हो जाएं कि फॉरेन फंडिंग ऐसे दुश्मन ममालिक से इस फितने को हुई है, और फिर जो सहूलतकारी इसको मुयस्सर की गई है, इसकी जड़ों को मजबूत किया गया है, वो अपने आप नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ी साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, जिस साजिश का चेहरा ये फितना है जिसका नाम इमरान खान है। और अब अगर मज़हब के ऊपर, मज़हब से मैं शुरू करूं, तो ये मुझे ये मैं किसी पे कोई मज़हबी अटैक नहीं करना चाहती, मज़हब हम सब का अल्लाह ताला के दरमियान और हमारे दरमियान एक मामला है जिसको मैं सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती, लेकिन जब मज़हब का नाम इस्तेमाल करके कोई सियासत करे, सियासत के लिए कोई मज़हब का नाम इस्तेमाल करे, इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं। और पिछले कई सालों में मैंने देखा कि सिर्फ सियासत को अपने हक में इस्तेमाल नहीं किया गया, सियासत को अपने मुखालिफीन को पिछाड़ने के लिए, उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए, उनको जरर पहुंचाने के लिए मजहब का इस्तेमाल किया गया।
तो मज़हब का इस्तेमाल मैं दोबारा से दोहराती हूँ, मज़हब का इस्तेमाल, दीन इस्लाम का नाम, उसको इस्तेमाल सिर्फ अपनी सियासत को फ़रोग देने के लिए या बढ़ावा देने के लिए, या जो मासूम हमारे मुल्क के रहने वाले हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, लोग हैं, उनको उनको वरगलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, अपने मुखालिफीन के लिए भी इस्तेमाल किया। मैं इस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ। आपको याद होगा जब मेरी वालदा कुलसूम नवाज शरीफ, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे, जब उनका इलेक्शन था और हम NA 120 हुआ करता था लाहौर से, वहाँ पर ये इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मैं उनकी, क्योंकि वो बीमार हो गई, तो मैं उनकी इलेक्शन कैंपेन चला रही थी। परवेज़ रशीद साहब यहाँ बैठे हैं, तशरीफ़ फरमाएं, और भी तलाल चौधरी साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं, मेरे दाएं बाएं जो उलमा मशाइख विंग के हजरात मौजूद हैं, ये भी मेरे साथ मेरी वालदा की कैंपेन में थे। उस वक्त हमारे पर एक बहुत दर्दनाक और तकलीफ़नाक इल्ज़ाम लगा, तकलीफ़ दे इल्ज़ाम लगा, जो मज़हब के हवाले से था, मैं उसको दोहराना भी नहीं चाहती। और उस वक्त मेरी वालदा के मुकाबले में यास्मीन राशिद साहिबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इलेक्शन लड़ी थी, उन्होंने उस नारे का भरपूर इस्तेमाल किया। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब गलियों में NA 120 की हम कैंपेन किया करते थे, मैं करती थी, तो मसाजिद से हमारे पर अटैक्स होते थे, और मुझे इस बात की तकलीफ़ होती थी कि मैं अपने कोई मज़हबी क्रेडेंशियल्स यहाँ बताने नहीं आई, आप सब, हम सब लोग जो हैं वो दीन से प्यार करने वाले लोग हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क करने वाले लोग हैं, तो जब इस किस्म का इल्ज़ाम उन पर लगाया जाएगा तो कितनी तकलीफ़ का बायस होगा। तो वो बिल बोर्ड्स लगाए गए, वो बैनर्स लगाए गए पूरे NA 120 में, और वहाँ से इस कैंपेन को लीड किया इमरान ख़ान ने, और उसके साथ एक मज़हबी जमात को मिलाया, जिनको बाद में ख़ुद इमरान ख़ान की हुकूमत में मस्जिदों में, मसाजिद में घुस कर शहीद किया गया। इस तरह से ये एक ख़तरनाक खेल जो है वो रचाया गया। हम पर जब इल्ज़ामात लगे तो नवाज़ शरीफ साहब की तरफ जूता उछाला गया, और वो एक मज़हबी तकरीब में मौजूद थे। ये घिनौना और बहुत ही ख़तरनाक खेल का आगाज़ ये तब हुआ जब सियासी तौर पे ये नवाज़ शरीफ साहब को नुकसान नहीं पहुंचा सके, अदालती तौर पे नवाज़ शरीफ साहब को नुकसान नहीं पहुंचा सके, तो फिर उन्होंने मज़हब का सहारा लिया। ख्वाजा आसिफ़ के, आपको सबको याद होगा, ख्वाजा आसिफ़ को मैं ज़ाती तौर पे, ख्वाजा आसिफ़ साहब को जानती हूँ, मैं ज़ाती तौर पे अपने ख़ानदान को जानती भी हूँ, देखती हूँ, उसी माहौल में मेरी परवरिश भी हुई है। हमारे घर में महफिल मिलाद का इनकाद किया जाता है, और वो मुझे तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है। और उसके बाद जब एहसन इकबाल साहब, जिनका ताल्लुक ही एक मज़हबी घराने से है, जो एक ऐसी माँ के बेटे हैं जिनका, जिनकी पहचान ही इस्लाम थी, उनको गोली मारी गई, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनकी जान बच गई, उनकी कोहनी पे चोट लगी और गोली लगी, और जिसकी वजह से वो बहुत देर अस्पताल में दाखिल रहे, तो मुस्लिम लीग नून ने तो ये बर्दाश्त किया। और आप देखें, यहाँ पर बात नहीं रुकी, जब अपनी हुकूमत आई तो एक नया मज़हब जिसका नाम इस्लाम था, उसका लिबादा इस्लाम का ओढ़ा था, लेकिन एक नया मज़हब जिसके अंदर जादू, टोना, झाड़ फूंक, और वो काली दाल अपने जिस्म पे मल के बैठ जाना, और जिन्नात की बातें, और जो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे की अपॉइंटमेंट्स हैं वो इस नाम से शुरू होनी चाहिए, वो इस नाम पे ख़त्म होनी चाहिए, किसी ऐसे घर में नहीं जाना जहाँ पे फौतगी हो गई हो या जहाँ पे मैयत पड़ी हो। ये एक नई किस्म का इस्लाम हमने देखा जो गुमराह कुन है। और उसके बाद आप ये देखें कि जहाँ पर मज़हब को टच देने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, पूरी दुनिया ने सुना कि 25 मई में इमरान को जब ये धरना लेकर आए या लॉन्ग मार्च लेकर आए,
तो पूरी दुनिया ने देखा कि वो उनके कान में कह रहे हैं, खान साहब जरा मजहबी टच दें, इस्लामी टच दें। तो जहाँ इस्लाम को या मजहब को टच देने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, तो आप उसके जो पीछे मकासद हैं वो खुद ब खुद कौम के सामने अया हो जाते हैं। और फिर शर्मनाक बात है कि आप छोटे बच्चों की क्या ट्रेनिंग करें, वो पूरी दुनिया में हर किसी ने जो सोशल मीडिया पे भी वो वीडियो देखी जिसमें एक बच्चा जो है वो क्या बोल रहा है, मैं उस बच्चे को क्या इल्ज़ाम दे सकती हूँ। लेकिन मैं उसके माँ बाप को ज़रूर कहूँगी कि आपने बच्चे को किसी ऐसे इंसान की परवरिश में दे दिया जिसको खुद पता नहीं है, जिसको जब जो बन गया प्राइम मिनिस्टर तो उसको खातम नबीयीन कहना नहीं आता, उसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना नहीं आता, उसको ला इलाहा इल्लल्लाह कहना नहीं आता। और जो इस किस्म की, अब मुझे अभी पता चला कि जब जेआईटी गई जमान पाक में तो वो काले बकरों के हसार में वो जेआईटी को भी बिठाया गया। और वो ये मैं ऑथेंटिक आपको खबर दे रही हूँ, काले बकरों को जब तक वहाँ पर जेआईटी मौजूद रही वो काले बकरों को वो घुमाते रहे इस तरह सर्कल के अंदर, और जहाँ पर मुर्गियाँ जलाई जाती हूँ, लोगों को खाने को सब्जी और दाल नहीं मिलती है, वहाँ पर छतों पर टनों के हिसाब से मुर्गियाँ जलाई जाती, और समंदर के पास नहीं जाना, पानी के करीब रहना है, खुश्की से दूर रहना है, इस किस्म की जो इस्लाम है। और फिर अपने मुंह से बता रहे हैं कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेनिंग की थी, ऐसे अल्लाह मेरी ट्रेनिंग कर रहा है। कोई मुसलमान चाहे वो जितना भी नेक हो, मैंने बहुत बहुत नेक मुसलमान भी देखे हैं, किसी ने कभी ये दावा किया? कोई आलम दीन आप उठा के ले आए, चाहे वो दुनिया के कोई सबसे बड़े ऐसे मुल्क से हो जहाँ पर इस्लामी निज़ाम नाफिज है, आलम दीन, वो जितना बड़ा आलम दीन होगा वो उतना ज़्यादा जो है वो हम्बल तबीयत का होगा। कभी कोई ये दावा कर सकता है कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को अल्लाह ताला ने ट्रेन किया था, ऐसे अल्लाह ताला मुझे ट्रेन कर रहा है? तो जो चीज़ हमारा दुश्मन नहीं कर सका हमारे साथ, वो इस फितने को लॉन्च, एक नई तरह का जो मज़हब है वो हमें देखने को मिल रहा है। और बात हो, आप देखें कि क्या कहूँ मैं, क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, शर्म आ जाती है। बात होती है रियासत मदीना की, और रियासत मदीना के दाइयों ने, रियासत मदीना का नाम लेने वालों ने, अव्वल तो कोई दुनिया की रियासत ये दावा कर सकती है कि हम रियासत मदीना बनाना चाहते हैं? आप जानते भी हैं रियासत मदीना क्या थी? आप जानते भी हैं रियासत मदीना किन अल्लाह ताला के चुने हुए लोगों ने बनाई थी, और वहाँ पर क्या निज़ाम राइज था? उस पे मैं अभी आती हूँ आपके साथ, मैं इस पे बात करना चाहती हूँ और पाकिस्तानी कौम से भी ये बात करना चाहती हूँ। और फिर आप ये देखें कि जब रियासत मदीना की आपने बात की, आपने मदीना में जब शहबाज शरीफ साहब अपना डेलीगेशन लेकर गए हुए थे, आप देखें आपने कितनी शर्मनाक हरकत की वहाँ, जहाँ पर ये हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि मेरे महबूब के दरबार में अपनी आवाज़ बुलंद ना करो, ये ना हो कि तुम्हारे आमाल ज़ाया हो जाए। तो जब हम कभी, मैं कभी उम्रे के लिए जाती थी और कभी रोज़ा मुबारक के सामने खड़े होके ऊंची आवाज़ से कभी कोई दरूद शरीफ पढ़ा करती थी, तो मेरी वालदा कहती थी कि ये भी आहिस्ता आवाज़ में पढ़ो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करनी, ये अल्लाह का हुक्म है। और वहाँ पे आपने मरियम औरंगज़ेब को गाली निकाली हरम के हदूद के अंदर, और वो उनके बाल खींचे, और उसके बाद आपका क्या ख्याल है कि वो लोग कौन थे? वो प्लान तरीके से भेजे हुए लोग थे जिनको कहा गया कि वहाँ जाकर आपने ये काम करना है। आप अपने सियासी इख्तलाफ में इतने आगे बढ़ गए कि आपको हया नहीं आई, कि आपको ये भी भूल गया कि आप किस जगह पे खड़े।
उस दिन से इनका जवाल शुरू हुआ, बेशक उस दिन से इनका जवाल शुरू हुआ। और बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती। जो हजरत उमरे फारूक की मिसालें देते थे, आपने कितनी दफा इमरान खान और पीटीआई के मुंह से, आपने इनकी जुबानों से हजरत उमरे फारूक की मिसाल सुनी या नहीं सुनी? तो हजरत उमरे फारूक की मिसाल जब आप देते थे कि वो तो अपनी एक चादर का भी हिसाब दिया, मिसाल आप उनकी देते थे, और जब आपसे आपकी चोरियों का हिसाब मांगा गया तो आप बिफर गए, आपने पूरे मुल्क को आग लगा दी। लोगों को कहते रहे कि अगर आपने चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते? लोगों ने तो अपने तीन तीन नस्लों की तलाशी दी और अल्लाह ताला के फजलो करम से क्लियर होके बाहर आए। सबसे पहले तो इंसान ये सोचे कि हमारे दीन के अंदर झूठ और बुतान की कितनी बड़ी सजा है। ये तो अकेला, मैं ये आपको आज दावे से कह सकती हूँ, इसके बाकी सारे गुनाह आप एक तरफ रख दें, अगर ये जो नवाज शरीफ साहब पर औरों पर जो झूठे इल्जाम इसने चोरी के डाके के लगाए, ये तो अकेला उन्हीं का हिसाब नहीं दे सकता। आज तक एक सबूत ये पेश नहीं कर सके, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बाइज्जत बरी हुई हूं। लेकिन जो आपने झूठे इल्जाम लगाए उसका हिसाब कौन देगा? जो आपके इंतकाम और झूठे इल्जाम की वजह से, आपके जुल्म की वजह से जिन लोगों ने अपनी नामोशी भी बर्दाश्त की, जिन शरफा ने, जिन अच्छे खानदानों से ताल्लुक रखने वालों ने अपनी बेइज्जती भी बर्दाश्त की और जेलों के डेथ सेल्स के सजाए मौत की चक्कियों में जो लोग रहकर आए, जिन्होंने तजहीक बर्दाश्त की, जिन्होंने तजलील बर्दाश्त की, तो आसमान का निजाम आज हरकत में आया। जुल्म का जवाब, अगर जुल्म का हिसाब मैं नहीं लूंगी, मैं इंतकाम में यकीन नहीं रखती, लेकिन जो आसमान का निज़ाम, अल्लाह ताला का निज़ाम, कुदरत का निज़ाम, जिसको मकाफात अमल कहते हैं, आज आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में, दुनिया देख रही है कि ये किसी इंतकाम का शिकार नहीं हुए, किसी जुल्म का शिकार नहीं हुए, किसी ने इनके ऊपर झूठे मुकदमे नहीं बनाए, सब मुकदमे इन पर सच्चे हैं। और उसका सबूत ये है कि जब आपको कोई अदालत बुलाती है कि आओ अपने इल्ज़ाम का जवाब दो, ये जाते ही नहीं, ये दौड़ जाते हैं। यही इस बात का सबूत है, जो सच्चा होता है वो नवाज शरीफ साहब की तरह सीना तान के डट के अदालत में पेश होता है, बेटी का हाथ। और आप इनका हाल देखो, बात क्या कहते हैं, अमर बिल मारूफ, अमर बिल मारूफ का पता है, नहीं अनिल मुनकर का पता नहीं है कि लोगों को नेकी का हुक्म दो, तुम सबसे पहले अपने आप को नेकी का हुक्म दो, लेकिन नहीं अनिल मुनकर के बुराई से रोको वो नहीं रोकना, वो बुराई की तरगीब देनी है, झूठ की तरगीब देनी है, इंतकाम की तरगीब देनी है, मुल्क के ऊपर हमले करने की तरगीब देनी है, मजहब के गलत इस्तेमाल की तरगीब देनी है, वहां पर अमर बिल मारूफ नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि जब कुरान की कोई आयत इंसान किसी अपने झूठे और शर्मनाक मकसद के लिए इस्तेमाल करे, उस शख्स पे क्या हुआ? उस शख्स की मैं क्या बात करूं? आपको शर्म नहीं आती? आप अपने अंदर झांक के देखें, आपकी पूरी जिंदगी क्या है, आपका हाल क्या है, आपका माजी क्या था, आपको हौसला भी कैसे होता है कि आप अमर बिल मारूफ जैसी आयत को अपनी गंदी सियासत के लिए इस्तेमाल करें? बड़ी बात, वो कहते हैं ना कि जो तकब्बर, आप देखें खुद इस पेडेस्टल पे बैठ जाते हैं, मजहब की ऐसे बात करते हैं कि जैसे कोई नया मजहब इन्होंने बना लिया और यही उसके प्रचार करने वाले। मैं तो अगर इस बात पे, जो असल बात है वो करने पे आ जाऊं, इनको तो मुंह छुपाने की जगह ना मिले। और देखें ये मजहब से भी बढ़ के आप आगे आ जाएं, ये बात वहां तक रुकी नहीं, इन्होंने खवातीन को जिस तरह अपने लिए इस्तेमाल किया, जिस तरह नौजवान नस्ल को अपने लिए इस्तेमाल किया, लोगों के बच्चे शहीद कराए, अपनी बीवी और अपनी जो सब घरवाली हैं वो सब घरों में बैठी होती हैं, अपने बच्चे लंदन हैं,
और मार कौन खाता है बाहर खड़े होके? अब मुझे देखे जिनके ऊपर ये स्पेशल अदालतों के मुकदमे बन रहे हैं या आर्मी कोर्ट्स के जिनके ऊपर मुकदमे बन रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारियां आज हो रही हैं, वो कौन है? उनमें से एक भी कोई इमरान खान का रिश्तेदार है? वो सब वो लोग हैं जिसको जिनको इसने गुमराह किया हुआ था और ख्वातीन को ढाल के लिए इस्तेमाल किया। आज हर रोज खड़ा होकर ये बात कर रहा होता है कि ख्वातीन को गिरफ्तार किया जा रहा है, ख्वातीन को के ऊपर जुल्म हो रहा है, ख्वातीन को जेलों में डाला हुआ है। तो लोगों को ये भी बताओ ना कि उन ख्वातीन को पिछले 6 महीने से तुम बैठ के बनी गाला के अंदर और जमान पाक के अंदर ट्रेनिंग दे रहे थे दहशतगर्दी की। बताओ लोगों को, लोगों को बताओ कि जब तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए लाया जाता था तो तुमने, तुम्हारे शैतानी दिमाग ने ये एक प्लान बनाया था कि ख्वातीन और बच्चों को ढाल बनाने के लिए आगे कर दो ताकि पुलिस की हिम्मत ना हो मुझे गिरफ्तार करने की। जो बुजदिल शख्स ख्वातीन को अपनी ढाल बनाने के लिए इस्तेमाल करे, अपनी सियासत के ईंधन के लिए इस्तेमाल करे, उस शख्स की दैनी हालत के बारे में मैं क्या कहूँ? और आपको मैं एक और बात बता दूँ, हमारी एक और भी हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा भी अगर, जो जन्नत में औरतों की सरदार है, वो फातिमा भी अगर गुनाह करे या चोरी करे तो मैं उसके हाथ काटने का हुक्म देता। तो जुर्म जुर्म होता है, उसमें मर्द और औरत की तफरीक नहीं होती। आपने तो लोगों की बेगुनाह औरतों को जेलों में डाला। आज मैं देख रही थी मकाफाते अमल, आप देखें, इसमें नवाज शरीफ साहब का कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो टीवी पे बैठ के देख रही थी कि जब पिंकी पीरनी साहिबा को अदालत ने बुलाया तो वो सफ़ेद चादरों के हसार में, घेरे में उनको अदालत ले जाया गया। तो आपकी बीवी सफ़ेद चादरों के हिसार में, तो जो लोगों की आपकी ख़वातीन ख़वातीन है, लोगों की ख़वातीन ख़वातीन नहीं? जब वो जा रही थी, मैं किसी की तकलीफ़ में खुश नहीं होती, ना बतौर इंसान ना बतौर सियासी हुआ कर। और मैं हल्फन आपको ये कह सकती हूँ कि किसी किस्म के इंतकाम का ना जज्बा है मेरे दिल में, ना नवाज शरीफ साहब के दिल में। हम खुदा का खौफ रखने वाले लोग हैं, हमें ये पता है कि आज अगर हम जुल्म करेंगे तो घूम के हमारे ऊपर आएगा। जो आज इनके साथ हो रहा है वो मैं नहीं चाहती। वो कहते हैं ना कि जफर आदमी उसको ना जानिएगा हो, वो कितना ही साहिब फहमो जका, जिसे ऐश में याद खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफ खुदा ना रही। जब ये ऐश और तैश में थे, इनको खुदा खौफ खुदा नहीं था। इन्होंने सोचा, इन्होंने 12 साल का प्लान बनाया था, इन्होंने सोचा लोगों की बेटियों को पकड़ो, बहुओं को पकड़ो, बहनों को पकड़ो, लोगों को जेलों में डालो, जिंदानों में डालो, ज़मीन पे सुलाओ। क्या फ़र्क पड़ता है, मैं 12 साल, 14 साल, 15 साल, अब मुझे कोई नहीं हटा सकता क्योंकि जनरल बाजवा मेरे साथ है, जनरल फैज़ मेरे साथ है, उमर अता बंदियाल मेरे साथ है, साकिब निसार मेरे साथ है। तो ये भूल गए उस वक्त के एक निज़ाम ऊपर भी है, बेशक, और अल्लाह ताला से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, वो अपने वक्त पे हरकत में आता है। तो आज जो कुछ भी इसके साथ हो रहा है वो मकाफाते अमल है। आज कहता है मेरी बीवी ट्रस्टी है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे अपनी मिसाल देनी पड़ती है, मैं अपनी मिसाल इसलिए देती हूँ कि ये हो चुका है, भूल जाए कि मैं कौन हूँ। मैं भी ट्रस्टी थी ना, तो मैं तो अल्लाह का शुक्र है आज उसी अदालत से बरी हुई हूँ। लेकिन आज जब ये ट्रस्टी का राग लापते हैं तो मुझे अल्लाह ताला की शान नज़र आती। आज ये इस बात पे जब ये कहते हैं कि जो मेरी बीवी है वो तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, तो मरियम नवाज शरीफ कौन सी पब्लिक ऑफिस होल्डर थी? जो इन्होंने कोर्ट में आके कहा कि नवाज शरीफ मुझे इमरान ने, जब इमरान को अदालत में पेश किया गया और अदालत में उमर अता बंदियाल साहब ने उनको कहा कि बड़ी खुशी हुई आपको मिलके 60 अरब के चोर, तो उन्होंने कहा कि मैं तो, मुझे रात को सोने के लिए एक पता नहीं गंदा सा मैट्रेस दे दिया गया। तो मुझे याद आ गया कि जब नवाज शरीफ साहब को अडियाला लेकर गए तो नवाज शरीफ साहब को सोने के लिए वो टूटा हुआ कमरा था, उसमें गंदा सा छोटा सा वो तरपाई या वो क्या कहते हैं उसको, छोटी सी वो चटाई थी वहाँ पर, वो दे दी सोने के लिए, तो वो सोए उसी पर। उन्होंने शिकवा नहीं किया इस बात का और कहा कि मैं 24 घंटे से बाथरूम नहीं गया। ये तो इनका हाल है, जो किसी जज्बे से, किसी मकसद के तहत, सच्चाई के साथ, किसी
नजरिए के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए जो शख्स निकलता है, तो वो 313 लोगों के साथ भी जंग जीत के वापस आता है। वो मुंह पे काले डब्बे और काली बाल्टियां नहीं चढ़ाते। बातें इनकी सुने जो भाषण देते थे, और अल्लाह मेरी तौबा, जो इनके हालात हैं, ये मैंने कभी जिंदगी में किसी सियासी जमात को, सियासी जमात के कारकुन तो नजरिए की खातिर, कोई अगर कोई तहरीक चल रही होती है तो उसके नाम सुने जरा क्या है, नाम सुने, वो क्या तहरीक का नाम रखा है, अपनी तहरीक का क्या नाम रखा, हकीकी आज़ादी की तहरीक, गुलामी की से आज़ादी की तहरीक। गुलामी से आज़ादी की जब बारी आई तो मुंह पे काले डब्बे चढ़ा लिए, मुंह पे काली बाल्टी चढ़ा ली। और उस दिन आपने फवाद चौधरी साहब की वीडियो देखी, कोई जाके स्ट्रेचर पे लेट जाता है, कोई ऑक्सीजन मास्क लगा लेता है, कोई एम्बुलेंस में जाके बैठ जाता है। और मैं तो उस दिन हैरान हो गई था कि अदालत ने जमानत दी है एक और चोर को, फिर मैंने सोचा जमानत ना मिली होती तो दुनिया देखती कि आज किस तरह से वो भाग के अदालत के अंदर जाके छुप गए, और हकलाते हुए, जबान बाहर आई हुई, और बुरा हाल उनका, पानी की जरूरत पड़ गई। तो मुझे याद आए वो लोग जो तुम्हारे इंतकाम का शिकार थे, लेकिन उन्होंने किस तरह से हौसले के साथ, अल्लाह ताला के दिए हुए हौसले के साथ उन्होंने जेलें काटी, तुम्हारे इंतकाम का सामना किया। मैं तो पहले ही कहती थी कुछ नहीं, अगर आता नहीं है तो मुस्लिम लीग नून से सीख लो, सीख लो, हमसे सीख लो, फ्री मशवरा है। एक दिन 6 महीने में एक दफा जेल में रही हूं, 5-4 महीने एक दफा जेल में रही, हम तो नहीं रोए कि हम बाथरूम नहीं गए, हमें टूटी हुई चटाई मिल गई, चारपाई मिल गई, गद्दा मिल गया, हमें बाप के सामने अदालतों, वो जेलों से गिरफ्तार किया गया, हम तो नहीं दौड़े वहां से। और वो शर्म की बात है कि जिन अदालतों को मुजरिमों के लिए सजा पाने की जगह होना चाहिए था, वो अदालतें आज मुजरिमों की पनाह गाहें बनी हुई हैं। पहले फवाद चौधरी साहब को जब गिरफ्तार करना था, ये रात तक सुप्रीम कोर्ट की अदालत के अंदर छुप के बैठे हुए थे। किसी जज ने नहीं कहा कि ये मुजरिमों की पनाह गाह नहीं है, निकलो यहां से, बाहर जाओ और अपना जो मुकदमा लड़ना है लड़ो। फिर इमरान खान को जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमानत दी गई, और थोक के हिसाब से दी गई, बारिश की तरह जब जमानतों की बरसात हुई, तो उसके बावजूद उनको पता था कि मुझे कहीं 3 MPO में ना पकड़ ले, जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर होता है उसमें ना पकड़ सके, ये रात 11:30 बजे तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे रहे। इस्लामाबाद के किसी जज को, हाईकोर्ट के जज को ये तौफीक नहीं हुई कि वो ये कहें कि इधर से बाहर निकलें, अदालत का टाइम खत्म हो गया, आप एक मुजरिम हैं या मुलजिम हैं, आप पे इल्ज़ाम है, आप अदालत को अपनी पनाहगाह नहीं बना सकते। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि जिस तरह फवाद चौधरी साहब को जब पुलिस पकड़ने आई, किस तरह उन्होंने दौड़ लगाई। मैं समझती हूँ कि 100 मीटर्स रेट मैराथन में भी ये जीत सकते हैं, ऐसी दौड़ लगी, 3 दफा बेचारे गिरते गिरते बचे। तो पहले जो दावे किए थे, तेरा बाप भी देगा आजादी, पहले जब इतनी तौफीक ही नहीं थी तो इतने बड़े बड़े नारे क्यों लगाए थे? आज वो लोग वीडियोस चला रहे हैं, तेरा बाप भी देगा आजादी, और जो बाप से आजादी मांग रहा था, बाप को ललकार रहा था, सिर्फ इसलिए कि ये इनको लग्जरी की इतनी आदत है कि ये एक रात जेल में नहीं गुजार सकते। भाई जब यहां पर आपको किसी, यहां पर सच्चाई हो, दिल में सच्चाई हो, आपके जज्बे में सच्चाई हो, आपकी तहरीक में सच्चाई हो, आपकी जो आइडियोलॉजी है उसमें सच्चाई हो, तो उसके लिए तो लोग फांसी के फंदों पे झूल जाते हैं और शिकवे का एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालते। तो ना सिर्फ ये कि ये अल्लाह ताला की गिरफ्त में आए हैं, मकाफात अमल का शिकार हुए, ये बुरी तरह एक्सपोज हुए, बुरी तरह एक्सपोज हुए। लोगों की, जब बच्चों की जानें इतनी सस्ती हैं। फिर आप ये देखो कि इस्लाम क्या कहता है मुनसिफों के बारे में। एक हदीस है ना जिसमें 3 तरह के जजेस के बारे में बताया हुआ है,
कि अगर तीन तरह के जजेस को डिफाइन कर दिया गया, डिस्क्राइब कर दिया गया है उस हदीस मुबारका में, तो आप आज देखें इस्लाम क्या कहता है इन मुनसिफों के बारे में। जो मुनसिफ ये जानते हैं कि ये 60 अरब की चोरी बल्कि डाका डाल के आया है, क्या उमर अता बंदयाल साहब ने एक बार भी जब ये अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंसाफ की कुर्सी पे बैठने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश हुआ, तो उमर अता बंदयाल साहब ने कहा आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। और फिर जब इस चीज पे तनकीद हुई तो उन्होंने अगले दिन बहाने से ये बात की, क्लैरिफिकेशन दी, जो कि उससे भी मुज़िका खेज थी कि मैं तो बहुत खुश अखलाक हूँ, मेरी अदालत में जो भी आता है मैं उसको कहता हूँ कि मुझे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। तो उमर अता बंदयाल साहब, मैं बड़े अदब से आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जब कोई इंसान कत्ल करके आपकी अदालत में एक कातिल को पेश किया जाता है तो आप उसको ये कहते हैं आपसे मिलके बहुत खुशी हुई? जब कानून की अदालत में कोई मुजरिम पेश होता है, कोई मुलजिम पेश होता है, उसको कटहरे में खड़े करते हैं, उसको ये नहीं कहते आपसे मिलके बहुत खुशी हुई? इखलाक नहीं चलता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वहां पर आईन और कानून चलना चाहिए। ये अजीब बात है कि सुओ मोटो वो सासू मोटो बन गया, सुओ मोटो जो है। और आपने गिरफ्तारी के तरीका कार पे पूरी तवज्जो रखी, जानबूझ के आपने क्रिमिनल नेग्लिजेंस आपने बरती, आपने मैं क्या उसको अब अल्फाज इस्तेमाल करूं, आपने एक बार भी इमरान खान से पूछा कि भाई तुम्हें जो जो पकड़ा गया है, गिरफ्तारी हुई है, वो किस केस में हुई है? यहां से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, अदालत के अहाते से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था? तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जब जमान पाक में पुलिस गिरफ्तार करने गई तो वहां पर पेट्रोल बॉम्ब से हमला किया जाता है पुलिस के ऊपर, उनके सर तोड़े जाते हैं, उनकी आंखें फोड़ी जाती हैं, पुलिस वालों के ढेर लग गए वहां पर जमान पाक में, जहां पे एक अकेली खातून थी, पता नहीं जिन्नात ने हमला किया होगा फिर, जहां अकेली खातून थी तो जिन्नात ही कर सकते हैं, फिर इंसान अगर आप कहते हैं वहां नहीं था तो अंदर से हमला किसने किया? पूरी दुनिया ने देखा कि जब कोर्ट का ऑर्डर लेके पुलिस वहां गई, वहां पर पुलिस के ऊपर हमले हुए, वहां से गिरफ्तार नहीं कर सके, कोर्ट से आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो फिर शालामार गार्डन आपको लेके जाते हैं, वहां पर आप चहलकदमी कर रहे हैं, पुलिस आ जाती है आपको गिरफ्तार करने के लिए। एक दफा उमर अता बंदयाल साहब ने नहीं पूछा कि भाई पूरा मुल्क जला के आए हो, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके? ऐसे इंसान को तो हथकड़ी लगाकर कटहरे में खड़ा करना चाहिए और पूछो बताओ कि 60 अरब का तुमने गबन क्यों किया? अल कादिर ट्रस्ट के बारे में एक सवाल नहीं पूछा, 60 अरब के बारे में एक सवाल नहीं पूछा, जिसके लिए इन्होंने इतने झूठ बोले। आज कहता है कि वो कैबिनेट की अप्रूवल थी, कैबिनेट के लोग ऑन रिकॉर्ड एंड टीवी इंटरव्यूज में कहते रहे हमसे कोई अप्रूवल नहीं ली, हमें एक बंद लिफाफा दिखाया था और कहा था इसको अप्रूव कर दो। उनको भी नहीं पता था उसमें क्या है, क्योंकि अपने एक प्रॉपर्टी टाइकून को आपने फेवर करनी थी, तो जो टैक्स पेयर का पैसा बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 60 अरब रुपया पकड़ के पाकिस्तान को दिया, वो उन्होंने अपने दोस्त की जेब में डाल दिया। और सिर्फ दोस्त को फेवर नहीं किया, पता नहीं उसके बदले क्या क्या लिया, 450 कनाल जिसपे अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट बना, जिसको आज कहते हैं ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट वजूद में कैसे आया ये तो बता दो। 450 कनाल रिश्वत में ली, और उसी आदमी से ली पिंकी पीरनी ने, जिससे वो पहले 5 कैरेट हीरे की अंगूठी ले चुकी हुई। इतनी पर्दादार खातून है और इतनी गैर सियासी खातून है कि जब पकड़ने जाती है पुलिस या कानून का शिकंजा तंग होने लगता है उस वक्त वो गैर सियासी बन जाती है, लेकिन जब रिश्वतें लेनी होती हैं, फाइलों पे दस्तखत कराने होते हैं, उस वक्त वो गैंग की सरबराह बनी होती है, ये नहीं बताते लोगों को। और आप देखें कि कहते हैं कि वो तो यूनिवर्सिटी थी, वो ट्रस्ट था, तो भाई वो ट्रस्ट में वो रूहानियात की तालीम के लिए तो वहां पढ़ भी शायद जिन्नात ही रहे जो नजर नहीं आते। सुना है 30-40 स्टूडेंट्स हैं, वो यूनिवर्सिटी आज तक किसी ने देखी नहीं, और वो 450 कनाल जो जमीन है वो अरबों रुपए मालियत की है, जिसको बतौर रिश्वत इसको दिया गया रूहानियात की तालीम के लिए, जहां ये तालीम दी जाएगी कि
चिल्ले कैसे काटने हैं, मुखालिफ को कैसे जेर करना है, DGISI की अपॉइंटमेंट कैसे रोकनी है और पिछले वाले को कैसे और ज़्यादा एक्सटेंशन देनी है। तो ये मैं तो हैरान हूँ इन चीज़ों के ऊपर। और फिर आप देखिए अदालतों ने किस तरह से, आज बड़ी बात हो रही है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल इस चीज़ की हामी हूँ कि किसी भी ऐसे शख्स को जो सिविलियन हो उसको सिविलियन कोर्ट्स में ही जाना चाहिए। लेकिन सिविलियन कोर्ट्स का आप हाल तो देख लें, सिविलियन कोर्ट्स कर क्या रहे हैं? वो तो मुनसिफ रहे ही नहीं। उनमें से उमर अताब बंदयाल साहब समेत कुछ जजेस ऐसे हैं जो मुनसिफ नहीं रहे, वो कंट्रोवर्शियल हो गए, वो अब एक सियासी जमात के सहूलतकार बन गए। तो जब सिविलियन अदालतों में सहूलतकारी हो रही होगी तो फिर इंसाफ का निज़ाम किधर जाएगा? मुझे खुद इस बात का जवाब दें। और जैसा जुर्म होगा वैसी सज़ा होगी। जुर्म आपने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे आपने अटैक करके किया, पाकिस्तान की तारीख में सवाए तहरीके तालिबान ने, सवाए दहशतगर्द तंजीमों के तखरीब कारों के, इस किस्म की जो बदनामी और ज़िल्लत है वो सवाए इमरान खान और PTI के किसी के हिस्से में नहीं आई। मुझे आज कोई सियासी जमात बता दें जिसने वो काम किया हो जो 9 मई को इमरान खान ने किए। कोई मिसाल है पिछले 76 सालों में? अगर है तो बताएं, कोई मिसाल है तो मुझे बताएं। जब नवाज शरीफ साहब ने PDM के पहले जलसे जो गुजरांवाला में हुआ था, वो बहुत बड़ा जलसा था, समंदर था लोगों का, नवाज शरीफ साहब ने कहा, क्या कहा? एस्टैब्लिशमेंट को के दो अफराद के नाम लिए, जनरल बाजवा साहब कहा और जनरल फैज साहब कहा, और कहा कि ये जो आज हो रहा है मुल्क में, जो महंगाई है, जो गैर जो लाकानूनियत है और जिस किस्म के हो रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार आप हैं। इस सौगात को, इमरान खान को जहाँ से लाए हैं वहीं ले जाएं। ये तो नहीं कहा नवाज शरीफ साहब ने कि मेरे आगे एक जम्बे गफीर खड़ा है, चलो अपने सरों पर PTI के या PMLN के झंडे बांधो और कोर कमांडर के घर के ऊपर जाके हमला कर लो। बल्कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये दो लोग अलग हैं, बाकी फ़ौज अलग है। मैं पाकिस्तान की अफवाज को, उनके सिपाहियों को, उनके ऑफिसर्स को जो आइन और कानून पर यकीन रखते हैं और मुल्क की हिफाजत के लिए जाने देते हैं, जंगे लड़ते हैं, कोशिश करते हैं, मैं उनको सलूट करता हूँ। और यहाँ पे क्या हुआ? ये जजों का, उमर अताब बंदयाल साहब का जो लाडला है, उसको अगर सज़ा मिल जाती जमान पाक में जब पुलिस गई थी और वहाँ से हमले हुए थे, तो अगर उस वक्त सज़ा मिल जाती तो आज इसका 9 मई का सानेहा, जिसको मैं सानेहा कहती हूँ, उसका हौसला उसको कभी ना होता। क्या इस मुल्क में सबसे छोटा जुर्म पुलिस वालों के सर फाड़ना है? पुलिस वाले किसी माँ के बेटे नहीं, पुलिस के जो जवान हैं वो किसी बहन का भाई नहीं है, वो बच्चों के बाप नहीं है? उनके सर तोड़ना, उनकी आंखें फोड़ना, उनके माथे फोड़ना, उनकी हड्डियां तोड़ना, ये सबसे दुनिया का आसान तरीन काम है जिसकी कोई सजा नहीं? मैं उमर अताब बंदयाल साहब से ये सवाल करती हूं, मैं इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये सवाल करती हूं, जो इनको जमानतों की बरसात लाडले की तरह करते जा रहे हैं। मैंने पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में, अदालती तारीख में, जहां कहीं आईन और कानून नाम की कोई चीज नाफिज है, पूरी दुनिया ने कभी देखा कि एक ऐसे शख्स को रिहाई मिल गई हो जो रिमांड पे था? रिमांड में कभी किसी को जमानत मिलती? रिमांड का टाइम पूरा होता है, दोबारा जमानत की दरख्वास्त दायर की जाती है, उसको जमानत मिलती है तो मिलती है, नहीं मिलनी होती तो नहीं मिलती। और आप ये देखें, मिलिट्री कोर्ट्स पे आज एतराज है, और जब सिविलियंस की अदालतें क्या कर रही हैं? जब आपका तोशाखाना का या कोई और भी केस जाता है नैब में, अदालत उसको स्टे दे देती है, यानी कि स्टे दे देती है कि इसके ऊपर कार्रवाई हो ही नहीं सकती, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो सकती। ये हो रहा है यहां की अदालतों के अंदर, तो किसका किसका एतबार है इन अदालतों में? कौन है जिसके ऊपर हम एतबार करें? यहां पर तो आईन और कानून की बात ही नहीं हो रही, यहां पर तो या सास का कानून चल रहा है या लाडले का कानून चल रहा है, मजाक बन के रह गया इन अदालतों का। आज अगर जजेस की आंखों में आंसू आते हैं
कि हमारे ऑर्डर्स इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, तो आप ये भी तो देखो आप ऑर्डर्स क्या दे रहे हो। आपके ऑर्डर्स का तमाशा बन के रह गया, आपके ऑर्डर्स का मजाक बन के रह गया, आपकी कुर्सियों के मजाक बन के रह गई। हम नहीं चाहते, हम वो लोग हैं जिन्होंने अदलिया की आजादी के लिए, जजेस की खुद मुख्तारी के लिए हमने तहरीक चलाई, अपनी जान हथेली पे रख के निकले थे। लेकिन अदलिया की तौहीन कभी भी अदलिया के बाहर से नहीं होती, किसी की जरूरत नहीं है कि तौहीन करे। अदलिया की तौहीन होती है तो अदलिया के अंदर से होती, उनके फैसलों से होती, और सिर्फ इसलिए कि एक तौहीन अदालत का एक कानून बनाया हुआ है तो उसमें जबरदस्ती जो है वो इज्जत कराई जाए, ऐसे इज्जत नहीं होती। इज्जत आपके फैसलों से होती है, इज्जत आपके इंसाफ से होती है, इंसाफ पे अमल दरामद से होती है। आप साकिब निसार का जो आसिफ सईद खोसा है वो तो छुप के बैठा है, पता नहीं किस चारपाई के नीचे घुसे हुए। उनका भी वक्त आएगा इंशाल्लाह, सबको हिसाब देना पड़ेगा। आसिफ सईद खोसा साहब, आपको हिसाब देना पड़ेगा कि जेल में बैठे नवाज शरीफ साहब को क्यों मैसेज भेजा गया कि आसिफ सईद खोसा को बतौर चीफ जस्टिस एक्सटेंशन दी जाए। नवाज शरीफ साहब ने कहा अपना कागज पकड़ो और निकलो इधर से। पर फिर आप देखें कि जो लाहौर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने हमारे मुस्लिम लीग नून के एक्स एमपी हैं और टिकट होल्डर हैं मलिक अहमद साहब, उनको खुद जब इलेक्शन था ना 20 बाय इलेक्शंस, हमजा शहबाज शरीफ साहब के जो बाय इलेक्शंस हुए थे उसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का दामाद अफजल साही, जो अब दहशतगर्दी करते हुए तकरीब करते हुए हदायत देते हुए पकड़ा गया, अली अफजल साही, उसके लिए अभी वो इलेक्शन नहीं हुआ था, वो फैसलाबाद से पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा था और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा मलिक अहमद साहब को कि तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है, बेटियां सबकी सांझी होती हैं तो जरा ध्यान करना, मेरे दामाद को जीतने देना। ये हाल है इनका, इस तरह वो अपने बेटे की कैंपेन चला रहे थे और जितवाया उसको फैसलाबाद से। ये हमारी अदलिया का हाल है। और मैं अब ये भी वाजे कर दूं कि अदलिया का, मैं जब अदलिया की बात करती हूं तो जो लोग, जो अदलिया के जजेस कानून पे आईन पे चलने वाले जजेस हैं, मैं दिल से उनका एहतराम करती हूँ। उनकी खातिर हम स्टैंड लेने को भी तैयार हैं, उनकी खातिर हम तरीके चलाने को भी तैयार हैं, लेकिन मैं उन जजेस के साथ बिल्कुल नहीं खड़ी। वो सब जजेस जो है वो तनकीद की जद में आएंगे जो इमरान खान जैसे मुजरिम की सहूलत कारी करेंगे और उसके लिए आईन और कानून का कत्ल करेंगे। आज आप देखें, मैं उमर अता बंदयाल साहब को कहती हूँ, आपने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। आपने आसिफ सईद खोसा, अगर वो अभी कानून के शिकंजे में नहीं आया, एक दिन आएगा जब वो कानून के शिकंजे में आए। और मैं साकिब निसार डैम वाले बाबा जी की क्या बात करूं, वो तो किसी को वैसे ही चेहरा दिखाने के काबिल नहीं। अब तो उसका बेटा भी टिकटें ब्लैक करता हुआ पीटीआई की पकड़ा गया। ये इनका हाल है, कुदरत की तरफ से ये इबरत के निशान बने हुए हैं। तो उसी डगर पर उमर अता बंदयाल साहब भी चल रहे हैं। तो आपकी अदालतें जब लोगों को इंसाफ नहीं देंगी तो फिर जो मजलूम है वो कहां जाएगा? इस वक्त मजलूम कौन है? इस वक्त मजलूम रियासत पाकिस्तान है। कौन है मजलूम? मेरा मुल्क मजलूम है इस वक्त, क्योंकि मेरे मुल्क पे हमला हुआ है। और आप देखें इस कदर घनौनी इन्होंने हरकत की है 9 मई को। मुझे जो शुहदा की यादगारें जलाई गई, उनकी तस्वीरें जलाई गई। शुहदा किसी फौज के नहीं होते, शुहदा कौम के होते। उन्होंने फौज के लिए जान नहीं दी होती, उन्होंने कौम के लिए जान दी होती है, उन्होंने इस मुल्क की सरहदों के लिए जान दी होती है जिस मुल्क में ये 23 करोड़ अवाम रहती है। उन्होंने हमारी हिफाजत के लिए, क्योंकि हम सोए और वो जागते रहे, उन्होंने बॉर्डर्स पे जान दी है, उन्होंने ज़र्ब अज़्ब में जाने दी, उन्होंने रद्दुल फसाद में जाने दी, और आपने जाके उनकी यादगारों पर हमला कर दिया। मुझे यह बताएं, जिनकी यादगारों पर हमला हुआ, जो इतने फख्र से जिनके खानदान ये कहते होंगे कि मेरा बेटा शहीद है, मेरा भाई शहीद है, मेरा बाप शहीद है, सोचें जब उनकी यादगारों को जलाया गया, उन खानदानों पर, उनके लवाहिकीन पर, उनके माँ बाप पर क्या गुजरी होगी। शहीद तो जिंदा है, जिसने अपने मुल्क के लिए जान दी, जिसने इस कौम के लिए जान दी,
जिसने इस परचम को गिरने नहीं दिया, उसके लिए जान दी, आपको शर्म और हया नहीं आई? आपने उनकी जाकर यादगारों पर हमले किए? और मैं वो हैरान हो गई। देखिए, एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी लोग हो सकते हैं, तनकीद भी किरदारों पे हो सकती है, लेकिन शहीद सबके। और ये शहीद पहली दफ़ा उनकी यादगारों पर हमला नहीं हुआ। आपको याद है वो जो हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ था तो आर्मी ऑफिसर्स शहीद हुए थे, जिनमें जनरल भी एक शामिल थे। उस वक्त इमरान और पीटीआई ने वो उस वक्त भी बद्दुआएं दी थी, वो भूल गए। और आप देखें कि वो जो निशान हैं, वो जो शील्ड्स हैं, उनको जमीन पे गिरा के उनके ऊपर पीटीआई के लोगों ने छलांगे लगाई, पांव के नीचे रोंदा उसको 9 मई को। कोर कमांडर हाउस को तो छोड़ दें, जिस तरह वो कोर कमांडर हाउस के अंदर जाके स्क्रीन्स तोड़ रहे थे, आग लगा रहे थे, कायदे आजम के घर को आग लगा रहे थे, आपको हया नहीं आई? बानिए पाकिस्तान का घर आपने जला दिया, और किस जोम और किस तकबर में जलाया आपने? और आज आप कहते हैं कि मुझे मुझे सबूत दे दो। सबूत, अगर कोई सबूत मांगे इमरान खान से, कहता है मुझे सबूत दो, मैं पकड़वा दूंगा, मैं सबूत देती हूं। हसन नियाज़ी का वो तस्वीर इसको दिखा दो, जिसने वो वो डंडे के ऊपर यूनिफॉर्म पाकिस्तान आर्मी की टांगी हुई, हसन नवाजी की, हसन नियाज़ी की वो तस्वीर आपको नजर नहीं आती? सबसे बड़ा सबूत वो है कि तुम मुलव्वस हो इसमें। कभी किसी पाकिस्तानी ने ये सोचा ये वर्दी क्या है? आप हजार इख्तलाफ कर सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट से, लेकिन आपको वर्दी, आपने वर्दी डंडे के ऊपर टांग कर उसको कहा कि पैंट का ये साइज है, और उसको डंडे पे लहरा कर पूरी दुनिया को दिखाया। सबूत चाहिए, हसन नियाज़ी की तस्वीर देखो। सबूत चाहिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद की ऑडियो सुनो। सबूत चाहिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद की वो वीडियो देखो जिसमें किसी सहाफी ने सवाल किया कि आप कोर कमांडर हाउस में लोगों को लेकर गई थी, तो कहती है हाँ, तो लोगों को ही लेकर जाना था, जानवरों को तो लेकर नहीं जाना था। इस इकरार के बाद आपको और कौन सा सबूत चाहिए? सबूत चाहिए तो चेहरे, शीशा, आईने में अपना चेहरा देखो, सारे सबूत मिल जाएंगे। क्योंकि इस पूरे 9 मई के सानहे के मास्टरमाइंड इमरान खान है। 6 महीने जो उसको ये पता चलता रहा था ना कि मेरे खिलाफ अब मुकदमात बनेंगे, मेरी चोरियां डाके सामने आएंगे, मेरी अब पकड़ होगी, कानून की गिरफ्त में मैं आऊँगा, मेरी गिरफ्तारी होगी, तो 6 महीने टांग पे पलस्तर लगाकर वो ये प्लानिंग कर रहा था कि जब मैं गिरफ्तार हूँ तो कौन कौन सी दिफाई तनसीबात है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जहां पर कौन कौन हमला करेगा, वो लिस्ट बनी। और मुझे ये बताएं, कौन सा सियासी वर्कर है जिसको मैं अभी, आप भी सियासी वर्कर्स भी हैं ना, आपको मैं कहूं कि जरा मुझे पेट्रोल बॉम्ब बना के दिखाएं, आपको बनाना आता है? नहीं बताएं, बनाना आता है? वो लेल चलानी आती है? तो सबूत तो वहां से देने शुरू हों जब आप आपकी, अच्छा, खवातीन को बड़ा कहते हैं, खवातीन को पकड़ लिया। भाई वो खवातीन जब लीड कर रही थी वो जुलूसों को, तुमने खवातीन को जानबूझ के सामने रखा ताकि तुम बाद में मुजरिम बन, मुलजिम, वो मजलूम बन सको। तो वो खवातीन जब वो जुलूसों को लीड करके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे ले जा रही थी, तब वो खवातीन नहीं थी? मुझे बताएं कौन सा जुर्म जुर्म होता है उसमें? कोई आदमी और औरत की तफरीक नहीं होती? मैं खुद औरत हूं, मैं खुद औरत हूं। जिन खवातीन को तुम्हें सियासी तौर पे मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए ट्रेन करना चाहिए था, सियासी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी तुमने दहशतगर्दों वाली ट्रेनिंग कर दी। और जब वो दहशतगर्दी करेंगी तो क्या उनको फूलों के हार पहनाए जाएंगे? जिनके सबूत मौजूद है, तुम किस मुंह से सबूत मांगते हो? सबूत पूरी दुनिया ने देखे, कौन से सबूत चाहिए तुम्हें? यास्मीन राशिद का सबूत चाहिए, एजाज चौधरी का सबूत चाहिए, या फिर तुम्हें हसन नियाज़ी के सबूत चाहिए? पूरी दुनिया ने देखा, तुम्हारे घर से दहशतगर्द बरामद हुए जो अपनी वीडियोस बना के डाल रहे थे, और वो गैर मुल्की थे। अब टीटीपी ने खुद ये ऐलान किया, लिख के ऐलान किया कि हम शामिल हैं इसमें, हम सपोर्ट करते हैं इमरान खान को। इसके बाद और किस सबूत की जरूरत रह जाती? और वो मखसूस जबान बोल रहे थे वो लोग जो इन अटैक्स को लीड कर रहे थे।
दुनिया तुम इतने बेवकूफ ना समझो, मैंने पहले भी कहा था पाकिस्तान पूरा जमात दोम में नहीं पढ़ता, क्लास टू के सारे स्टूडेंट्स नहीं है, तुम बेवकूफ हो सकते हो, तुम किसी खास जहनी हालत में होते हो, पाकिस्तानी कौम सब कुछ देख रही। और फिर कोई इनको पूछने वाला नहीं है, और ये धड़ल्ले से कहते हैं कि जी सबूत है तो दे दो, मुझसे मांगो सबूत मैं देती हूं। हसान नियाज़ी किधर है? और अगर तुम्हारे लोगों ने नहीं ये काम किए हुए तो वो कहां छुपे हुए, वो जेरे जमीन क्यों है? जिसने कुछ नहीं किया होता वो सामने आता है, ये लो मुझे पकड़ लो, मेरे पे इल्जाम है मैंने कुछ नहीं किया, वीडियोज मौजूद हैं, ऑडियोज मौजूद हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि कोई मीडिया वाला इनको वो आईना क्यों नहीं दिखाता कि इसके बाद कौन से सबूतों की जरूरत। और सबसे बड़ा सबूत क्या है, कोर्ट में बैठ के कह रहे हैं कि मुझे क्या पता मैं तो गिरफ्तार था, किसने बाहर हमला किया, और साथ ही अगले सांस में कह देता है अगर मुझे फिर गिरफ्तार किया फिर यही रद्द अमल आएगा। यानी कि तुम धमकी लगा रहे हो, वो तकब्बर और रऊनत में इसने सोचा कि मैंने जो किया, चाहे मैंने पेट्रोल बॉम्ब्स बनाए, इन्होंने ख्वातीन को ट्रेनिंग दी, मैंने वो वीडियोस देखी जिसमें इनकी सियासी ख्वातीन बड़े महारत से जो है वो पेट्रोल बॉम्ब्स बना रही, उस वक्त वो ख्वातीन नहीं होती। इसने ट्रेनिंग दी पिछले 6 माह में, जमान पाक के अंदर फारिग था ना, काम तो था कोई नहीं, तो यही कुछ किया, लिस्टें बनाई कि जिस दिन मुझे अटैक करेंगे तुमने कोर कमांडर हाउस जाना है, तुमने शोहदा की फलां उसमें जाना है। ये अपने आप नहीं हुआ कुछ भी, अगर अपने आप ही होता तो खाली दिफाई इंस्टॉलेशंस पे क्यों गए? चीफ मिनिस्टर हाउस भी आता है, गवर्नर हाउस भी आता है, पार्लियामेंट भी आती, वहां क्यों नहीं गए? सिर्फ एन उस मौके पर क्यों गए जहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं? क्योंकि इनको था कि टैंकों के आगे लेटने वाले टैंकों को रोकेंगे, इनको सबजुगेट करेंगे, इनको इनका सर झुकाएंगे, इनको ऐसा बताएंगे कि दुनिया कहेगी वाह 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 वाह, इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट का सर झुका दिया। ये पता नहीं था कि ये तखरीबकारी, दहशतगर्दी, बदनीति एक दिन खुल के पूरी दुनिया के सामने आएगी, और 9 मई को एक्सपोज हो गया। अब तुम आए बाएं शाएं करो, कल मुजम्मत कर रहा था, पूरा मुल्क जला दिया और मुजम्मत कर रहा था। ऐसी मजम्मत करने वाले की मजम्मत होनी चाहिए बल्कि मुरम्मत होनी चाहिए, ऐसी मजम्मत करने वाले की भी मजम्मत होनी चाहिए कि तुमने लोगों के घर जला दिए, आपने दिफाई तनसीबात जला दी, तोप उठाकर, अब उस तोप से आपका क्या मकसद है? जो आपने जहाज, जिन्होंने दुश्मन के जहाजों को मार गिराया था, वो कौम का फख्र है, वो किसी फौजी की निशानी नहीं है, वो कौम का फख्र है कि उसने दुश्मन के जहाज को मार गिराया, उसको इसलिए आपने चौकों चौराहों में और बिल्डिंग्स के सामने नस्ब किया गया। जिन तोपों ने दुश्मन के ऊपर गोले चलाए थे और अपनी सरहदों को महफूज रखा था, मैंने वो वीडियो देखी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि इनके मॉब ने, पीटीआई के लोगों ने वो उठाकर तोप जो है उसको ऊपर जो पुल से नीचे पानी में फेंक दिया। हया नहीं आई? एस्टैब्लिशमेंट से तकलीफ है तो एस्टैब्लिशमेंट की बात करो ना, हमारी निशानियां क्यों जला रहे हो, हमारा फखर क्यों जला रहे हो? और फिर मजम्मत एक काफी? तुम सारी जिंदगी नाक भी रगड़ो तो तुम एक भी शहीद की कुर्बानी का सिला नहीं दे सकते। और इसने अपने जोम में, तकबर में सोचा कि मैं जैसे सहूलतकारी मेरी पहले होती आई है, किसी ने वजीर आजम बना दिया, किसी ने लोग तोड़ के दे दिया, आज अल्लाह ताला की शान देखो। कह रहा था कल कि मेरे लोगों पे प्रेशर बढ़ा है, लोग इसलिए पार्टी छोड़ रहे, तो मुझे याद आ गया जब हमारे हमारे टिकट होल्डर्स के 2018 के इलेक्शन से पहले उनके मुंह पे थप्पड़ मार के उनको कहा जाता था कि पार्टी टिकट छोड़ दो। उस दिन मुझे वही हमारा टिकट होल्डर मिल गया जिसको थप्पड़ पड़ा था, और जब वो रो रहा था, उसको मारा कि पार्टी टिकट छोड़ दो, उसने कहा मैं नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को नहीं छोड़ूंगा। तो उसने, सुनने वाली बात है, अब वो बेचारा थप्पड़ खा के डर गया। तो उसको मीडिया वाले ने पूछा कि तुमने तुम्हें किसने मारा है? तो उसको समझ नहीं, उसने कहा मुझे महकमा ज़रात वालों ने मारा। और जब हमारे लोगों को तोड़ तोड़ के ले जाके उन्हें पीटीआई के पट्टे पहनाए जा रहे थे, और उस वक्त तो सब जायज़ था,
अब मकाफात अमल देखो, नवाज शरीफ ने तुम्हारा कोई बंदा नहीं तोड़ा, लाइन लगी है पीटीआई को छोड़ने वालों की, जहां से आए थे वहीं जा रहे हैं वापस, ये पार्टी जहां से निकली थी वहीं वापस जा रही है। और कुछ उनमें लोग ऐसे भी हैं जाहिर है जो जहां से आए हैं वहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे ना जो हमारी तरह जिनका दिल दुखा होगा 9 मई के वो सीन्स देख के, तकलीफ हुई होगी, इस पार्टी के साथ कौन खड़ा होगा, इस गद्दारों के साथ कौन खड़ा होगा, इन तखरीबकारों के साथ कौन खड़ा होगा। ये एक दहशतगर्द जमात है जिसने हमेशा दहशतगर्दी और तखरीबकारी और साजिश से काम लिया, सिर्फ बात यह है कि एक्सपोज अब हुए, काम ये वही करते आ रहे हैं 2011 से। कोई जनरल पाशा था, कोई जनरल जहीरुल इस्लाम था, कोई जनरल फैज था, बात यह है कि और अब हजरत उमर अता बंदियाल साहब है। हाँ जी, इज्जत माब, जिन्होंने अपना तो ख्याल नहीं किया, वो तो नहीं किया, ये तो अब रिटायरमेंट के बाद पता चलेगा कि दुनिया आपको किस नाम से, किन इल्काबात से नवाजती। आप भी उन बेंचेस में शामिल थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला दिया था। अभी आप कहते हैं, आप सबको वेलकम करते हैं ये कह के, प्लीज टू मीट यू, वेरी हैप्पी टू मीट यू, गुड लक। नवाज शरीफ साहब को तो ये नहीं कहा, उनको तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत इस पैनामा बेंच ने कहा गॉड फादर, सिसिलियन माफिया कहा, उनको तो नहीं कहा वेलकम, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, हैप्पी टू सी यू, प्लीज टू मीट यू, आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। तो ये आप बेवकूफ ना समझे लोगों को, अभी ये माजी बईद की बात नहीं है, माजी करीब की बात है। नहीं, इसको ये कहना चाहिए कि 60 अरब की चोरी की ढाल उमर अता बंदियाल। और मैं ये भी आपको बताऊं, जो जज, जो भी किसी भी उसका शोबे से ताल्लुक हो, जो इनकी सहूलत कारी करेंगे, इस दहशतगर्द फितने की सहूलत कारी करेंगे जिसने 9 मई को पाकिस्तान के तूलो अर्ज को आग लगा दी, अपने ही मुल्क को आग लगा दी, उसको ये कौम माफ करेगी नहीं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, बहुत मेहरबानी। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज।